व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल देसी खाना। क्या हाल है आप सबके? आज मैं फिरनी बना रही हूँ बहुत मज़े की सिंपल रेसिपी के साथ। मेरे पास दूध है 1 लीटर और इसको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया, और ठंडा करने के बाद मैंने 3 टेबलस्पून लिए हैं चावलों के, और इसको मैंने इस तरह पाउडर बना लिया, ग्राइंड कर लिया। और ठंडे दूध में ये 3 टेबल स्पून मैं शामिल करूंगी चावलों का जो मैंने पीस लिए। चावलों की मकदार अगर आप दूध में कम रखेंगे तो आपको फिरनी या खीर में बर्फ़ी या खोया डालने की ज़रूरत नहीं आएगी। तो इस वजह से अब मैं इसको पकाती हूँ। 4 इलायचियाँ ली और इसको मैंने दाने निकाल लिए हैं। अब मैं ये भी इसमें शामिल कर दूंगी, और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है ताकि ये चावल जो है उसकी गुठलियाँ ना बन जाए। इसमें मैंने शुगर ऐड नहीं की। आप जब भी खीर, गजरेला या फिरनी पकाएं तो जब तक कि आपके चावल गल ना जाएं आप प्लीज़ इसमें चीनी ना डालें, नहीं तो आपके चावल गलने में बहुत देर लगेगी। जब आपके चावल पूरी तरह गल जाएंगे तो तब आप इसमें शुगर शामिल करें। फिरनी हमारी बिल्कुल तैयार है, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने सब्सक्राइबर्स का। हमारे चैनल के 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे देसी खाना को लाइक किया, हमारे चैनल को सपोर्ट किया। तो मेरी तरफ से फिरनी से आप सब अपना मुँह मीठा करें और अपना बहुत सा ख्याल रखना। थैंक्स अगेन। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। फिरनी हमारी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड क्लिक द बेल बटन फॉर माय न्यू रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।